नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। हमने 9 दिन तक सुंदर नवरात्र पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई और हमने देखा देवी माँ के अलग अलग रूपों को, स्वरूपों को, उन शक्तियों की गहराई को, उसके आध्यात्मिक भाव को हमने समझा। और देवियों ने जैसे विषय विकारों पर विजय प्राप्त की और साथ ही साथ हमारे जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण किया, उसी के स्वरूप में आज हम विजयादशमी मनाते हैं। और ये भी गायन है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और वध करने के दिन को ही हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, दशहरे के रूप में मनाते हैं, विजय प्रतीक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन है मित्रों, क्योंकि विजय प्राप्त हुई है विकारों पर, विजय प्राप्त हुई है असुरीयता पर, विजय प्राप्त हुई है अंधकार पर। और जब अंधकार पर विजय प्राप्त होता है तो जीवन सचमुच प्रकाश और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आज के विजयादशमी की अनंत बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं खत्म नहीं होंगी बुराइयां एक पुतले के दहन से, रावण को मिटाना होगा हर इंसानी जहन से। वास्तव में रावण यानी दशानन कहीं बाहर नहीं, अभी तो हमारे भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, आलस्य रूपी विकार ही हैं, जिन्हें मिटाने के लिए जरूरत है परमात्मा की याद रूपी बल की व ज्ञान रूपी अस्त्र व शस्त्रों की। यूं तो हर वर्ष हम रावण के पुतले को जलाकर कुछ पलों की खुशियां मना लेते हैं, परंतु सच में यदि हम सदाकाल की खुशियां अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो जरूरत है कि हम कुछ हिम्मत रख के अपने अंदर के विकारों को, विकृतियों को, बुराइयों को व कमी कमजोरियों को मारने का प्रयास करें। तो आज दशहरे के शुभ पर्व पर क्यों ना हम स्वयं से ये प्रॉमिस करें कि रोज़ हम कुछ समय निकाल कर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान को याद करेंगे व उनकी शांति, सुख व शक्तिशाली किरणों से अपने भीतर के रावण को सदाकाल के लिए खत्म करेंगे। ओम शांति। सचमुच मना तो हम लेते हैं विजयादशमी, लेकिन क्या अपने अंदर के रावण को मार पाते हैं? हमें आज बहुत गहराई से इस पर विचार करना है मित्रों, क्योंकि जब तक अंदर रावण बैठा हुआ है तब तक हम विजयादशमी के पर्व को विजय के प्रतीक के रूप में किस प्रकार मना सकते हैं। हमें सोचना है, विचार करना है और रावण पर जीत प्राप्त करते हुए जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आमतौर पर देखा गया है कि लोगों को पेन डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। किसी को क्रॉनिक हेडेक, किसी को क्रॉनिक बैक एक, किसी को हील्स में पेन होता है, किसी को जॉइंट्स में पेन होता है, और तो कुछ इवन कभी ऑपरेशन का दर्द हो जाता है, कभी किसी बात का दर्द हो जाता है। तो नॉट ओनली द पेन इन द फिजिकल बॉडी, दे आर पेन बेसिकली इन द माइंड ऑल्सो। तो देखा है समाज के अंदर कि जैसे राजयोग मेडिटेशन के ऊपर बहुत काम चल रहा है, और मैंने तो स्वयं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये रिसर्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें हम कोई भी पेन डिसऑर्डर है, सिंपल क्रॉनिक हेडेक है या हार्ट के ऑपरेशन का पेन है, किसी भी पेन में राजयोग मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। वो इतनी जल्दी हीलिंग करता है, बीमारी को ख़त्म करता है, और साथ में वो पेन से भी बहुत जल्दी मुक्ति डाल देता है कम से कम दवाइयों के साथ। तो एक बहुत ही सुंदर ये तरीका है, टेक्निक है, जो मेडिसिन के साथ यूज़ करना चाहिए। और इनके रिजल्ट हमने देखे हैं जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनके ऊपर। बॉडी के अंदर एक बीटा एंडोर्फिन हार्मोन होता है, जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है। और इस पेपर को पब्लिश भी किया है, कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं,
और जो पेन होता है, जो इतना लंबा 2 साल 10 साल पुराना पेन था, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये नहीं कहेंगे कि दवाई है, पर दवाई के साथ ये एक सप्लीमेंट है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। क्योंकि पेन की मेडिसिन के बहुत नुकसान होते हैं, एसिडिटी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन अंदर अल्सर तक हो जाते हैं। तो हम पेन की जो क्रॉनिक मेडिसिन यूज़ करते हैं वो अवॉइड हो जाती है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रिकमेंड करती है कि मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप पेन वाले रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, रावण के जो 10 शीश दिखाए जाते हैं, वो 10 शीश वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। किसी भी व्यक्ति के 10 सिर तो वैसे नहीं हो सकते, लेकिन 10 शीश जो हैं उनके अलग अलग जो रूप रहे हैं, उनकी अलग अलग जो मानसिकता और विकृतियां रही हैं उनको दिखाता है। वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और साथ ही आलस्य, ये 10 शीश के रूप में दिखाए गए हैं, जो विकृतियां हैं, विकार हैं, जो व्यक्ति को महाज्ञानी होते हुए भी ऐसे गर्त में गिराने के निमित्त बन जाते हैं। रावण को हम जानते हैं कि बहुत महाज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे, तपस्वी थे, लेकिन इन 10 शीश के रूप में जो विकार दिखाए गए हैं वही उनके पतन का कारण बने। और भी हम कैसे इन सुंदर भावों को समझ सकते हैं, एक सुंदर सा और प्यारा सा वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि विजयादशमी को सही अर्थों में कैसे मनाया जाए। आप सभी को मनोज खुशनुमा की ओर से प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति और विजयादशमी अर्थात दशहरे की शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते हैं और इसलिए हर वर्ष उसका पुतला जलाते हैं। परंतु रावण जो कमियों, कमजोरियों, अवगुण और विकार रूपी बुराई के रूप में हमारे मन में विराजमान रहता है और जीवन में दुख और अशांति का मूल कारण है, क्या वास्तव में वो हारता है? क्या वो मरता है? या वो अमर बना हुआ है? वो कब और कैसे हारेगा और कैसे मरेगा? बताया जाता है कि रावण सिर्फ शीश काटने से नहीं मरा, उसे मारने की एक युक्ति थी जिसका प्रयोग करने से ही वो मर पाया। तो मैंने भी रावण से पूछा कि भैया रावण, तुम ही बता दो कि क्या है तुम्हें मारने की युक्ति और कैसे मिलेगी तुमसे मुक्ति? दशहरे का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है, रावण के पुतले को हर वर्ष जलाया जाता है। दशहरे का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है, रावण के पुतले को हर वर्ष जलाया जाता है। इस जलती आग से निकलता है एक जलता सवाल, जो रावण पूछता है हमसे हर साल, जो रावण पूछता है हमसे हर साल कि मेरे 10 शीशों पर तुम एक गधे का शीश लगाते हो, मुझे बुराई का प्रतीक कहकर के सदा जलाते हो। मेरे 10 शीशों पर तुम एक गधे का शीश लगाते हो, मुझे बुराई का प्रतीक कहकर के सदा जलाते हो। किंतु कटु सत्य क्या मेरा तुम्हें नज़र नहीं आता है कि कद मेरा तो हर वर्ष बढ़ता ही बढ़ता जाता है, कद मेरा तो हर वर्ष बढ़ता ही बढ़ता जाता है। मरा नहीं मैं, मरा नहीं मैं, तुमने मेरा पुतला मात्र जलाया है, किंतु अपने मन के सिंहासन पे मुझे बिठाया है, किंतु अपने मन के सिंहासन पे मुझे बिठाया है। मेरी हार और मृत्यु का तुम कैसे जश्न मनाते हो, मेरी हार और मृत्यु का तुम कैसे जश्न मनाते हो, देखो तुम खुद ही मुझको जीवित और अमर बनाते हो, देखो तुम खुद ही मुझको जीवित और अमर बनाते हो। मेरे 10 शीशों का सबकी मन बुद्धि पे राज्य है, खुद ही बढ़ा दिया तुमने मेरा ये साम्राज्य है, खुद ही बढ़ा दिया तुमने मेरा ये साम्राज्य है। यही तो रावण राज्य है, हाँ यही तो रावण राज्य है। मिथ्या ज्ञान के भ्रम में मैंने नहीं सत्य को जाना था, अहंकार के मद में सम्मुख प्रभु को ना पहचाना था, अहंकार के मद में सम्मुख प्रभु को ना पहचाना था। बैठ तुम्हारे अंदर तुमसे वही मैं आज कराता हूँ, 5 विकारों से सबके मन बुद्धि को भरमाता हूँ। प्रभु राम शिव निराकार हैं, सम्मुख फिर से आए हैं, किंतु जो वश में मेरे ये राज समझ ना पाए हैं, किंतु जो वश में मेरे ये राज समझ ना पाए हैं। अंत अगर करना मेरा शिव राम प्रभु को स्वीकारो, शिव के ज्ञान बाण से मुझ अंदर के रावण को मारो, शिव के ज्ञान बाण से मुझ अंदर के रावण को मारो। 5 विकारों के हर मन में काटो उगते 10ियों सर, वरना हंसूंगा मैं और तुम रोओगे मेरे नर्तन पर,
तुम रहोगे मेरे नर्तन पर। सदा राम को साथ रखो तो रावण से बच जाओगे, सदा राम को साथ रखो तो रावण से बच जाओगे। शक्ति होगी क्षीण मेरी तुम विजय श्री को पाओगे, शक्ति होगी क्षीण मेरी तुम विजय श्री को पाओगे। और शिव से योग की अग्नि में जब तुम मुझे जलाओगे, सही अर्थ में मुझ रावण से तब तुम मुक्ति पाओगे, सही अर्थ में मुझ रावण से तब तुम मुक्ति पाओगे, तब तुम मुक्ति पाओगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, जिस रावण के 10 शीश की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, जो अंदर ही अंदर हमारे अंदर की जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उन्हें नष्ट करती रहती हैं या उन्हें ढक देती हैं। कहते हैं ना कि पूरा ही सफ़ेद बोर्ड हो, उसमें एक छोटा सा काला दाग भी जैसे उसकी खूबसूरती को नष्ट कर देता है। एक श्वेत वस्त्र है, एक छोटा सा काला दाग ही पूरे ही श्वेत वस्त्र की खूबसूरती को नष्ट कर देता है। तो हमारे जीवन में भी जो नकारात्मक बातें हैं, जो अवगुण हैं, उन्हें दूर करना वास्तव में सही अर्थों में तो विजयादशमी मनाना यही होगा कि हम अपने अंदर के विकारों और विकृतियों को जीतें। और इस पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, वही सुंदर शिक्षा, वही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ प्रदान करती हैं, जिसे हम देखते हैं उनकी सेवा कार्यों के रूप में पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 5 दिवसीय जीवंत दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चैतन्य देवी देवताओं की झांकी विराजित थी। कार्यक्रम में डीएम पूर्णेंदु माजी जी, एडीएम कृष्णेंदु मोंडल जी एवं एसडीओ तीर्थंकर बिस्वास जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। देवियों की इस सुंदर चैतन्य झांकी के दर्शन करने हेतु रोजाना हजारों दर्शनार्थी एकत्रित होते रहे। इस पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन बर्धमान सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी रुमा बहन द्वारा किया गया। इस मनमोहक झांकी के उपलक्ष्य में उपस्थित अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी की खूब प्रशंसा की और रोजाना राजयोग मेडिटेशन सीखने का आश्वासन जताया। अंत में संस्था की ओर से मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भी भेज दी गयी। तो मित्रों, आज विजयादशमी का ये शुभ दिवस हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ये सिखाता है कि बुराई कितना भी प्रबल हो, लेकिन अच्छाई की ही जीत होती है। अंधकार कितना भी प्रगाढ़ क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश की ही विजय होती है। कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन यदि बुराई से घिरा हुआ हो तो उस बलवान व्यक्ति की भी पराजय अवश्य होती है। इसीलिए हम सत्य की ओर बढ़ें, प्रकाश की ओर बढ़ें और अच्छाई को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करने का संकल्प लें। रावण को देखें, किस कारण उसका पतन हुआ, जबकि वो इतने ऊंचे और श्रेष्ठ माने जाते थे। एक अहंकार, एक अवगुण और जिन 10 शीशों की हमने बात की, ऐसी विकृतियों ने उन्हें नष्ट किया। और साथ ही एक बहुत प्यारी सी बात वैसे उन्होंने लक्ष्मण जी को जाते जाते कही थी। मित्रों, अंत में उसी बात से करना चाहूँगा। उन्होंने लक्ष्मण जी को एक बात कही कि अपने जीवन में कभी भी जो शुभ कार्य हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे संकल्प हैं, उन्हें हमें जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लेना चाहिए, ना जाने सांस की डोर कब टूट जाए। रावण भी चाहते थे कि मैं बड़े से बड़ा कार्य करूं, बड़े बड़े स्वप्न थे, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का भी उनका संकल्प था, लेकिन ठीक है, मैं कल कर लूँगा या फिर बाद में कर लूँगा, ये जो एक विचार था आलस्य का, वो कहीं ना कहीं इस संकल्प को पूर्ण करने से उन्हें दूर कर गया। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, अपने जीवन में धारण करने की हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि सत्य परमात्मा के साथ रहते हुए अच्छाई की ओर हमें बढ़ते चलना है, ताकि असत्य पर, बुराई पर हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकें। तो एक बार पुनः आप सभी को विजयादशमी की, दशहरे की ढेर सारी मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ और दुआएँ। नमस्कार, ओम शांति।